दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर एक बार फिर से करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच में बुरी तरीके से झगड़ा हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पहले से ही दोनों के बीच में काफी नाराजगी चल रही थी। दरअसल बीते दिन घर के अंदर हुए टास्क को लेकर ही इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और उसी के बाद से दोनों ने आपस में बातचीत करना भी बंद कर रखा है। और बात की जाए इस समय बिग बॉस के लाइव फीड की तो आपको बता दें कि दोनों कंटेस्टेंट ने एक बार फिर से बीते दिन घर के अंदर हुए टास्क की बातों को छेड़ दिया था, जिसको लेकर दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। हालांकि इस बार झगड़े के दौरान उमर रियाज भी शामिल है, यानी कि तेजू का झगड़ा अब करण के साथ साथ उमर रियाज के साथ भी बढ़ गया है। दरअसल तेजू की करण और उमर से ये शिकायत है कि कल तुम लोगों ने आराम से अपना गेम खेल लिया और मुझे अपने जो टास्क की जो प्लानिंग थी उसमें शामिल नहीं किया। क्या तुम लोगों को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी या नहीं दूंगी? तुम लोगों ने मुझे कुछ प्लान ही नहीं बताया और लास्ट में आकर बताते हो मुझे कि यह सब कुछ किया है हमने। इसके अलावा तेजू ने कहा कि भाई तुम्हारा प्लान क्या था, क्या तुमने प्लान बनाया था, कम से कम मेरे पास आकर डिस्कस तो करते। जिस पर दोस्तों करण ने कहा कि देखो यार तेजा, जब टास्क शुरू होता है ना, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है और तुम इधर उधर भटकने लगती हो। कभी भी टास्क के दौरान तुम हमारे पास में आती नहीं हो, हमारे साथ प्लानिंग में शामिल नहीं होती हो, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई तू अपने हिसाब से खेल रही है और हम अपने हिसाब से खेल लेते हैं, इसीलिए हमने तुझे कुछ प्लान नहीं बताया था। जिसके बाद दोस्तों तेजस्वी को इतना गुस्सा आया और कहा कि तुमने मेरा बैग जो था वो डोम में ही छोड़ दिया था क्योंकि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं था। क्या तुम लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि मैं इतनी सी बात के लिए उन लोगों की टीम में शामिल हो जाऊंगी और तुम्हारी जगह उन लोगों का मैं साथ दूंगी, यानी कि समिता वगैरह का साथ दूंगी? जिसके बाद दोस्तों करण ने कहा कि बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तू हमारे पास में आई नहीं थी, बस इतनी सी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ है। जिसके बाद तेजा ने कहा कि ठीक है, अगर कल तुमने अपने प्लान में शामिल नहीं किया तो अब आगे से भी कभी मेरे पास में आना मत। जब भी कोई टास्क हो तुम अपने हिसाब से खेल लेना, मैं अपने हिसाब से खेलती हूँ। जिसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं उमर रियाज और करण कुंद्रा के चेहरे की रंगत उड़ गई, यानी कि दोस्तों दोनों कंटेस्टेंट इस समय तेजू से काफी मायूस हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, क्या करण और तेजा को अब किसी भी टास्क के दौरान अलग अलग होकर खेलना चाहिए या फिर एक साथ खेलना चाहिए? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यदि आप भी तेजा और करण के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।